कैसे हैं आप? तो काफ़ी दिनों के बाद वी आर मेकिंग अ रेसिपी वीडियो, एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल एंड ईजी होममेड प्रोटीन बार्स। कुछ महीने पहले मैंने ऑलरेडी एक होममेड प्रोटीन बार की रेसिपी वीडियो बनाई थी एंड वो आप सबको बहुत पसंद आई थी। आज की रेसिपी आप एक अपग्रेड की तरह मान सकते हैं बिकॉज इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के इसे स्टोर करके रखना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कुकिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली आई वॉज़ यूजिंग अ रॉ वे प्रोटीन। रॉ वे प्रोटीन की बाकी सारी चीज़ें तो सही होती है बट उसका टेस्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता है। अगर आप रॉ वे प्रोटीन यूज़ करते हैं एंड मेरी तरह अगर आपको भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो ट्राइंग समथिंग लाइक दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि प्रोटीन तो आपको इससे मिल ही रहा है बट इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एज अ मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन बार्स एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होते हैं क्योंकि आप इसे ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप इसे साथ में लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मैं होममेड प्रोटीन बार्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट में जो मिलते हैं आई फील दे आर अ बिट ओवर प्राइज्ड एंड वो इतने ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर लेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ओट्स, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सॉल्युबल फाइबर। एक सर्विंग में विल बी हैविंग अराउंड 40 grams। तो यहाँ पर हम 7 days के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं 280 grams ओट्स लूँगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी नेचुरल पीनट बटर, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। यहाँ पर एक सर्विंग में विल बी हैविंग 2 tablespoons, तो 7 servings के लिए यहाँ पर मैं 14 tablespoons पीनट बटर ऐड करूँगा। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हनी। हनी यहाँ पर मैंने एज अ स्वीटनर यूज़ किया है एंड इट इज़ लोडेड विथ एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन। एक सर्विंग में विल बी हैविंग 1 tablespoon, तो 7 servings के लिए मैंने इसमें 7 tablespoon ऐड किया है। इंग्रेडिएंट नंबर 4 इज गोइंग टू बी अनस्वीटेंड कोको पाउडर। कोको पाउडर मैं इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड कर रहा हूँ। एक सर्विंग में विल बी हैविंग 1 teaspoon, सो टोटल 7 teaspoons हम इसमें ऐड करेंगे। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी रॉ वे प्रोटीन। एक सर्विंग में विल बी हैविंग 1 scoop, सो टोटल 7 scoops मैं इसमें ऐड करूंगा। आज की रेसिपी में आई एम यूजिंग साइट्रॉन का रॉ वे प्रोटीन आइसोलेट। इसकी एक सर्विंग में वी आर गेटिंग 27 grams ऑफ प्रोटीन, 0.3 grams ऑफ फैट्स, 0 sugar, 0 carbs एंड नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। एंड जो वे इसमें यूज हुआ है वो भी ग्लैम्बिया से इम्पोर्ट किया गया है। सो वी आर गेटिंग अ रियली गुड क्वालिटी प्रोटीन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अब सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली है, नाउ वी जस्ट हैव टू मिक्स एवरीथिंग प्रॉपरली। एंड इसे प्रॉपरली मिक्स करने के लिए आपको अपने हाथ थोड़े गंदे करने ही पड़ेंगे, ये सिर्फ स्पून से डेफिनेटली मिक्स नहीं होने वाला है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिट ड्राई, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं बट मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे आप थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि हनी, ओट्स, पीनट बटर, वे, इन सब की शेल्फ लाइफ फिर भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जब सारी चीज़ें प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो बस फिर हमें इसे एक ट्रे में ऐड करना है, प्रॉपरली इसे सेट करना है एंड देन रेफ्रिजरेट फॉर अराउंड 1 hour। एक घंटे के बाद आप इसे निकाल कर 7 equal portions में कट कर लें एंड इट्स डन। तो इतना सिंपल था इसे बनाना एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एंड आप अपने मैक्रोस, कैलोरीज एंड टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत क्वांटिटीज चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर मेरे पास, साइट्रॉन का ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 फिश ऑयल। इसकी एक सर्विंग में आपको 1250 mg ओमेगा 3 मिलता है विथ 525 mg EPA एंड 400 mg ऑफ DHA। अगर आप जिम जाते हैं एंड हैवी वर्कआउट करते हैं तो दिस कैन बी रियली हेल्पफुल बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन, आईज एंड जॉइंट्स। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि दिस इज़ मॉलिक्यूलरली डिस्टाइल्ड टू रिमूव हैवी मेटल्स एंड एंटेरिक कोटेड टू अवॉइड दैट फिशी आफ्टर टेस्ट।
अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में वे प्रोटीन आइसोलेट या फिश ऑयल लेना है तो साइट्रॉन इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन। रॉ आइसोलेट आपको 999 रुपीज़ में ऑनलाइन पर मिल जाएगा एंड फिश ऑयल का प्राइस है 599। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक या वीडियो चाहिए हो तब जरूर इसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।